प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। आप लोग इसी तरीके से मेरे कार्यक्रम को देखते रहिए, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो रहे। आज मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंद्र सूर्य बुध ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक राशियों में आपके क्या प्रभाव देता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, इसको सुनिए। जिसकी कुंडली में मेष राशि का चंद्र सूर्य बुध हो, ऐसे लोग होनहार होते हैं, विद्वान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, कर्मठ होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, समाज में अच्छी यश कृति प्राप्त करते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि का चंद्र सूर्य बुध हो, ऐसे लोग समाज में पूजे जाते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं। जिसके कुंडली में कर्क राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग अक्षमातिक धन लाभ करते हैं, यश कृति प्राप्त करते हैं, अच्छा उन्नति करते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे जो पूर्ण विद्वान होते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि का चंद्र सूर्य बुध हो, ऐसे लोग समाज में कभी शत्रु पैदा नहीं करते हैं, न कोई केस मुकदमा लड़ते हैं, न जेल जाते हैं, ऐसे लोग स्वयं चरित्र का अपने निर्माण करते हैं। जिसके कुंडली में तुला राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग अचानक धन हानि कर बैठते हैं, नौकरी में पदोन्नति नहीं होती है, अधिकारियों से विवाद होता है, ऐसे लोग कभी कभी कर्जदार भी हो जाते हैं। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, परंतु कभी कभी इनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं इनको बनी रहती हैं। जिसके कुंडली में धनु राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग बहुत कम उम्र से ही स्वावलंबी हो जाते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, ऐसे लोग राजनीति में भी सफलता पाते हैं, ऐसे लोग के पास जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहती स्वयं की बनाई हुई रहती है। जिसके कुंडली में मकर राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति जीवन में स्वतंत्र कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार से पूजे जाते हैं, ऐसे लोग ट्रेडिंग टाइप का व्यापार करते हैं, ऐसे लोग केमिकल धातु का व्यापार करते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में संघर्ष अधिक करते हैं, विवादों में रहते हैं, शत्रु अधिक पैदा कर लेते हैं, बनते काम में रुकावट आती है। जिसके कुंडली में मीन राशि का चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, गरीबों का सहायता करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, उसका संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपने कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम को जान जाइए, नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। आप लोग के सहयोग के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425301111 है। इतना कहते हुए आपसे मैं विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।